क्या आपको भी लगता है कि वक्त के साथ आप और नाखुश होते जा रहे हैं? अगर उम्र के 20वें या 30वें पड़ाव पर आकर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो पहली वाली खुशी अब आपकी जिंदगी से जैसे गायब ही हो गई है, तो आप अकेले नहीं हैं। 2020 में आई एक स्टडी जो कि जर्नल ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिश की गई, कुछ इसी तरह इशारा करती है। डेविड ब्लैंच फ्लावर के द्वारा की गई इस शोध में 1.5 करोड़ लोग और लगभग 40 देशों के आंकड़ों को इकट्ठा कर ये निष्कर्ष निकाला गया कि उम्र के साथ हमारे दुख में इजाफा होता जाता है। खुशी को उन्होंने हैप्पीनेस कर्व के द्वारा ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया और बताया कि ये एक इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व है। 18 साल की उम्र से आपकी खुशी में कमी आने लगती है और वो 47 की उम्र में अपने चरम पर पहुंचती है और इसके बाद खुशी में दोबारा से इजाफा होने लगता है। इस दुख का कारण है कि जब हम 20 की उम्र में होते हैं तो हमें दुनिया में अनंत संभावनाएं दिखाई देती हैं और हमारे अंदर कुछ भी हासिल करने का जुनून होता है, लेकिन 47-48 की उम्र तक आते आते हमें एहसास होता है कि हमारे सभी सपने पूरे नहीं हो सकते। दूसरी बात ये भी है कि हम समाज से निरंतर अपनी तुलना करते रहते हैं और ये भी हमारे दुखी रहने का एक बहुत बड़ा कारण है। 48 के बाद हम इन बातों की फिक्र करना धीरे धीरे छोड़ देते हैं। हम उन चीजों को तवज्जो देना शुरू कर देते हैं जो हमारे पास है और उन चीजों की फिक्र करना छोड़ देते हैं जो हमारे पास नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपके जो बेहद करीब हैं सिर्फ वही आपके लिए मायने रखता है। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह आपको नहीं होती। अब सवाल ये उठता है कि 30 या 40 की उम्र में दुख या इन ब्लूज से कैसे उभरा जाए। जानकारों की माने तो ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप अपनी खुशी में इजाफा कर सकते हैं। पहला है परिवार और दोस्तों का एक करीबी सर्कल होना। शोध में पाया गया है कि परिवार और दोस्तों का होना हमारे जीवन के स्तर को बढ़ा सकता है। ये वो लोग हैं जिनसे न सिर्फ आप अपना दुख सुख बांट सकते हैं बल्कि ये आपकी समीक्षा करके आपका मनोबल बढ़ाते हैं। एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम एक स्वस्थ मानसिकता और जीवन में तरक्की लाता है। दूसरा है तुलनात्मकता का एक नया नजरिया। तुलना बेहद जरूरी है लेकिन और किसी से नहीं बल्कि अपने आप से। जानकारों की माने तो जब आप अपने आप से अपनी तुलना करते हैं तो ये एक प्रकार की सकारात्मकता आपके जीवन में लाता है। वहीं दूसरी ओर दूसरों से की गई तुलना आपके लिए नकारात्मकता और दुख का एक बड़ा कारण है। तीसरा है शुक्रगुजार होना। जब हम जीवन में ईश्वर के द्वारा हमें दी गई चीजों की सराहना करते हैं और उनके लिए शुक्रगुजार होते हैं तो हमारे मन में खुशी का संचार होता है और वो चीजें जिन्हें हम रोजमर्रा में यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं उनके मूल्य का हमें एहसास होने लगता है। चौथा है प्रकृति से एक अंतरंग संबंध बनाना। कई शोधों में ऐसा पाया गया है कि प्रकृति से करीबी रिश्ता हमारी खुशी के स्तर में बेहद इजाफा लाता है। पेड़ पौधे चिड़िया झील जंगल बादलों के बीच रहने पर हमको यह एहसास होता है कि शायद इस पल में होना ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। प्रकृति से जुड़ाव एक तरीके की विनम्रता लाता है कि जैसे इस विशाल अनंत जगत में हमारे बस में कुछ नहीं है तो इस पल में जीना ही सबसे ज्यादा मायने रखता है, न कि डेडलाइंस तुलना या मानवता की ये अदृश्य दौड़। और अंत में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और एक अटूट विश्वास हमें दुखों से उबरने की शक्ति देने के साथ साथ आशावादी बनाए रखता है। आध्यात्मिकता हमारे लिए अनंत ऊर्जा का एक स्रोत बन जाता है जो न सिर्फ दुख की तीव्रता में कमी लाता है बल्कि दुख सहने की भी क्षमता को बढ़ाता है। ये हमें समता की ओर लेके जाता है जो जीवन के थपेड़ों को सहने में हमारी मदद करता है। आशा है आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। जीवन में आपके सबसे खुशनुमा और जादुई लम्हे कौन से थे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले संस्करण में।